हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में बताऊंगा, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन लगाए गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए, इसके लिए इसे आरम्भ किया गया है। इस योजना को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है। इसकी शुरुआत 2016 में ही हुई थी। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 12 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज से दूसरे फेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने गुरुवार को की। इस घोषणा के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं है, उन मजदूर परिवारों को अब 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार के दर से 2 महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासी श्रमिक बेरोजगार हुए हैं, उन सभी के लिए इस कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है। 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ कुछ 116 जिलों और 6 राज्यों, जिसमें राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को लाभ मिलेगा। योजना का आयोजन 125 दिनों तक चलेगा और 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन इस योजना के अंतर्गत होगा। इस योजना का लाभ अभी पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार को कोविड-19 से संबंधित जानकारी पश्चिम बंगाल ने सटीक नहीं दी है। इस योजना में 12 विभिन्न मंत्रालय या विभाग हैं, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खान विभाग, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क विभाग, दूरसंचार मंत्रालय, कृषि विभाग मंत्रालय हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन वित्त आयोग के फंड के अंतर्गत आने वाले काम, जिसमें पौधारोपण, हॉर्टिकल्चर, सड़क योजना, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम ग्राम, पीएम कुसुम, भारत नेट के फाइबर ऑप्टिक बिछाने, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कॉम्प्लेक्स, नेशनल हाईवे वर्क्स, जल जीवन मिशन आदि विभागों के कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 25 कार्य प्रमुख रूप से चुने गए हैं। इस चुने गए 25 कार्यों से रोजगार के अवसर तेजी के साथ मिलेंगे। इस 125 दिनों के अभियान के तहत देश के अधिक से अधिक श्रमिकों, मजदूरों और रोजगार प्रदान किए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को काफ़ी राहत पहुंचाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe, share and comment.